कच्चे मकान की दीवार में बैठे जहरीले सांप ने महिला को काटा, हुई मौत। शिवपुरी जिले के पौरी थाना क्षेत्र के बटका खेड़ी गांव के रहने वाली महिला सोमवती राजावत पत्नी जयसिंह राजावत उम्र 50 साल सोमवार की शाम 5 बजे अपने घर पर कच्चे मकान की दीवार में रखी दूध की बोतल को निकाल रही थी, तभी उसको दीवार में बैठे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तो परिजन उसे शाम 6:30 बजे शिवपुरी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने महिला के शव को पीएम हाउस में रखवा दिया है, जहां आज मंगलवार की दोपहर को उसका पीएम किया जाएगा। आपको मेरा नाम ज्ञानवती ज्ञानवती आगे राजावत राजा कहाँ की हैं आप? बटका केरी। ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? सोमवती। पति का नाम क्या इनका? जयसी। कहाँ रहती हैं ये? बटका केरी। क्या हो गया था इन्हें? सरफ मका दी। सरफ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, दीवार में बोतल लगी थी दूध की, दीवार निकाल रही थी दूध की। बच्चों को पौरी पड़ा थी, दीपावली की छुट्टी थी, घर पे पहुंच गई थी। कच्चे कच्चे मकान थे, कच्चे पक्के मकान थे, तो आधी बोतल दीवार में थी आधी बाहर थी, तो पकड़ के निकाली तो वापस खा। कितना बड़ा सर्प था? देखा कुछ नहीं। कितना बड़ा सर्प था? देखा नहीं। देखा नहीं है। तो कहाँ ले गए थे आप इनको? कहीं नहीं ले गए, यहीं लेके आए। क्या बताया डॉक्टर ने? सर्प का काट खत्म हो गई। कितनी उम्र थी इनकी? 50 साल के करीब हो गई। 50 साल।